सुनने में आता था, क्योंकि सामने तो कोई कुछ बोलता नहीं है, बट के ये देखो कैसा लगता है और कैसा कैसे हीरो बनेगा और ये वो, तो ना मुझे तब फर्क पड़ता था, और जब वही लोग पलट के बोलते हैं कि यार यू वर वेरी गुड, तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक इन चीजों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। और देवगन जो अपनी आंखों की इंटेंसिटी से किसी भी किरदार में जान फूंक देते हैं, एक स्टार किड होते हुए भी अजय इंडस्ट्री के सबसे अंडररेटेड एक्टर्स में से एक हैं। आपको बता दें, इन्हें बॉलीवुड में आए लगभग 30 साल हो चुके हैं, और इन 30 सालों में अजय ने 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको अजय देवगन से जुड़ी सारी जानकारी देंगे, उनकी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ, और उनके स्वभाव से लेकर उनकी लव स्टोरी तक। हालांकि अजय के कुछ डार्क सीक्रेट्स भी हैं, जैसे कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और उनका जेल जाना, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। अजय देवगन का जन्म 2 अप्रैल 1969 को न्यू दिल्ली की एक पंजाबी फैमिली में हुआ था। अजय देवगन के फादर वीरू देवगन एक स्टंटमैन और एक एक्शन फिल्म डायरेक्टर थे, और इनकी माँ वीना देवगन एक फिल्म प्रोड्यूसर थी। अजय के एक भाई और एक बहन भी है। इनके भाई का नाम अनिल देवगन है, जो कि एक फिल्म मेकर और स्क्रीन राइटर है। चूंकि इनके फादर एक स्टंटमैन थे, तो अजय ने भी सिर्फ 9 साल की उम्र से बाइक चलाना शुरू कर दिया था। अपने कॉलेज के दिनों में अजय काफी बदमाश थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि कॉलेज में उनका गैंग हुआ करता था, और एक बार तो उन्होंने अपने फादर की गन भी चुराई थी। इसके अलावा अपने कॉलेज डेज में अजय 2 जेल जा चुके हैं। फिल्म में लॉन्च करने से पहले वीरू देवगन अपने बेटे अजय को महेश भट्ट के पास ले गए थे। तब महेश भट्ट ने कहा था कि इसकी आंखें अपने भीतर काफी कुछ छुपाए हुए हैं। इससे वीरू देवगन का उत्साह काफी बढ़ गया था। अजय जब फिल्मों में आए, तो उनकी शक्ल सूरत की खिल्ली उड़ाई गई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन ने अजय को डार्क हॉर्स कहा था, और बिग बी की इस कसौटी पर अजय खरे उतरे। अजय देवगन की पहली फिल्म फूल और कांटे यश चोपड़ा की लम्हे के साथ रिलीज हुई थी। लम्हे में अनिल कपूर और श्रीदेवी जैसे बड़े बड़े स्टार्स थे, लेकिन अजय की फिल्म ने न केवल लम्हे से जमकर टक्कर ली, बल्कि सक्सेस भी हुई। फूल और कांटे मूवी की रिलीज के वक्त अजय देवगन ने अपना नाम बदल लिया था। असल में अजय देवगन का असली नाम विशाल बीरू देवगन है, जिसे अजय ने बदल लिया। फूल और कांटे मूवी के लिए अजय को द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट डेब्यू भी मिला, और उनका बाइक स्टंट काफी फेमस हो गया। फूल और कांटे के बाद अजय ने प्लेटफॉर्म, संग्राम, शक्तिमान, बेदर्दी, कानून जैसी फिल्में की, जिनमें ज्यादातर एक्शन सीन्स होते थे, इसलिए सभी उनको स्टंट मैन ही समझते थे, और उन्हें अच्छा एक्टर नहीं माना जाता था। जब अजय को ये रियलाइज हुआ, तो उन्होंने यू टर्न लिया और महेश भट्ट की फिल्म जख्म में काम किया। इसके बाद उन्हें बेहतरीन एक्टर माना जाने लगा, और बाद में अजय ने कॉमेडी फिल्में भी की। राजकुमार संतोषी की फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में भगत सिंह का रोल प्ले करने से पहले अजय ने अपना वजन कम किया था, और भगत सिंह के बारे में कई किताबें भी पढ़ी थी, जिसका अजय पर काफी गहरा असर हुआ। बाद में उन्हें जख्म और द लीजेंड ऑफ भगत सिंह के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। अगर बात इनके लव लाइफ की करें, तो काजोल से इनकी मुलाकात फिल्म गुंडा राज के सेट पर हुई थी। पहली बार में अजय काजोल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, फिर दोनों ने इश्क प्यार तो होना ही था और हलचल जैसी फिल्में की। अजय एक इंट्रोवर्ट है, तो वही काजोल एक एक्स्ट्रोवर्ट है। दोनों के इसी स्वभाव के कारण दोनों एक दूसरे के करीब आए, और दोनों ने 1999 में शादी कर ली। शादी के बहुत सालों बाद ये खबर आई थी कि अजय देवगन का कंगना रनौत के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन अजय काजोल को नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया। इसी मामले में कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक शादीशुदा आदमी से प्यार करना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब अगर अजय के स्वभाव की बात करें, तो अजय देवगन को लंबे इंटरव्यूज देना पसंद नहीं है। फिल्म में यदि अजय को नाच गाने के लिए कहा जाए, तो उनके पसीने छूट जाते हैं। अजय को फिल्मी पार्टियां पसंद नहीं है, और वे बॉलीवुड की किसी भी पार्टी में नजर नहीं आते हैं। काम खत्म होते ही वो घर जाकर बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बच्चों से अजय को खास लगाव है, और उन्हें ध्यान में रखकर ही उन्होंने राजू चाचा और टूनपुर का सुपर हीरो जैसी फिल्में बनाई, लेकिन दोनों ही फिल्में बुरी तरह से फ्लॉप रही। अजय कुमार की दिलीप कुमार के साथ फिल्म करने की ख्वाहिश थी। उन्होंने दिलीप कुमार के साथ असर द इम्पैक्ट नाम की फिल्म करने की प्लानिंग भी बनाई थी, लेकिन किसी कारण से ये फिल्म शुरू नहीं हो पाई, जिसका अजय को आज भी अफसोस है। फिल्म इंडस्ट्री में संजय दत्त और सलमान खान को अजय देवगन अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। हालांकि अजय इंट्रोवर्ट है, लेकिन वो काफी मजाकिया भी है। आपको बता दें कि अजय भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, और उन्होंने अपने चेस्ट पर उनका टैटू भी बनवाया है। अजय को शूज और सनग्लासेस इकट्ठा करने का बहुत शौक है, और उनके पास 300 से भी ज्यादा जूते और 200 से भी ज्यादा सनग्लासेस हैं। इसके अलावा अजय अपनी बेटी न्यासा देवगन को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव है, और अजय को फोटोज खिंचवाना भी पसंद नहीं है।
अब अगर इनके अचीवमेंट की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन के बाद ये बॉलीवुड के इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीते हैं। 2016 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इसके अलावा ये बॉलीवुड के पहले ऐसे एक्टर हैं जिनके पास अपना प्राइवेट जेट है। इनकी एक प्रोडक्शन हाउस और एक VFX कंपनी भी है। एज ए डायरेक्टर इनकी पहली फिल्म यू मी और हम थी जो कि फ्लॉप हो गई थी। साल 2021 में अजय ने जुहू में एक बंगलो खरीदने के लिए 18 करोड़ का लोन भी लिया था। अगर फिल्म्स की बात करें तो अजय को करण अर्जुन और बाजीराव जैसी फिल्में ऑफर की गई थी लेकिन उन्होंने दोनों फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया था। अगर आपने अजय की रास्कल मूवी देखी है तो आपको बता दें कि उस फिल्म में अजय के कॉस्ट्यूम को 60 इंटरनेशनल डिजाइनर्स के द्वारा डिजाइन किया गया था। इसके अलावा एक्शन जैक्सन मूवी के लिए अजय ने 17 kg वेट लॉस किया था। प्रकाश झा, राजकुमार संतोषी और रोहित शेट्टी के फेवरेट एक्टर अजय देवगन ही हैं और उनके साथ उन्होंने कई फिल्में की है। इसके अलावा रोहित शेट्टी और अजय देवगन बचपन के दोस्त भी हैं और दोनों ने काफी फिल्में एक साथ की है। तो ये था अजय देवगन के बारे में हमारा आज का वीडियो। ये बात बिल्कुल सही है कि अजय देवगन बॉलीवुड के बेस्ट एक्टर्स में से एक हैं। इनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है और इनके फैंस इन्हें मास महाराजा भी कहते हैं। एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ अजय एक अच्छे इंसान भी हैं। वीडियो खत्म करने से पहले लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको अजय देवगन कैसे लगते हैं और उनकी कौन कौन सी खूबी आपसे मिलती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशन है तो प्लीज शेयर विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।